मनोहर लाल खट्टर जी, अगर आप सच में चाहते हो ना कि फैमिली आईडी के साथ प्रॉपर्टी आईडी जुड़े, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी से आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी जोड़िए, इसके बाद आप अपने कैबिनेट मंत्रियों की जुड़वाइए, उसके बाद आप अपने विधायकों की जुड़वाइए, फिर पार्षदों की, फिर सरपंचों की, फिर मेंबरों की, इसके बाद आप अपने ओएसडी की जुड़वाइए, इसके बाद आप अपने चीफ सेक्रेटरी की जुड़वाइए, उसके बाद सभी महकमों के अंडर सेक्रेटरियों की, उसके बाद ये जो सब डीजीपी है या जो और बड़े बड़े पदाधिकारी है, डीसीसीपी सब जिलों के जो ये है ना, इन सबकी फैमिली आईडियों के साथ इनकी प्रॉपर्टी आईडी जुड़वाइए। जब आप इस काम में सफल हो जाए ना, तब परेशान करना उस आदमी को जिस आदमी के पास रहने के लिए 100 गज का घर है, ज्यादा से ज्यादा 50 गज का एक प्लॉट है, या वो एक झुग्गी में रह रहा है। समस्या ये है कि जितने भी कानून बनते हैं वो सभी कानून गरीब पर तो ऐसे ठोक दिए जाते हैं कि गरीब को उन कानूनों के नीचे दबा कर रखा जाता है, लेकिन सामर्थ्यवान रईस और पावरफुल, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, उनके सामने ये कानून तुर्री सी बन जाते हैं। आपकी हरियाणा सरकार ये एग्जाम्पल देना, सबसे पहले उदाहरण दे कि हाँ मैंने जोड़ा, इन्होंने जोड़ा, इन्होंने जोड़ा, अब लोगों की जुड़वाएंगे हम।